दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसी तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी की पूछताछ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। असल में के कविता को ईडी ने फिर से 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है और इसी के खिलाफ के कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। माना जा रहा है कि के कविता को अपनी गिरफ्तारी का खतरा है। कविता का कहना है कि महिला होने के नाते ईडी उनसे उनके घर आकर पूछताछ करे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 24 मार्च को करने की बात कहकर के कविता को विदा कर दिया। मतलब ये कि के कविता जो चाहती थी कि उन्हें 16 मार्च को ईडी के ऑफिस न जाना पड़े, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। के कविता की तरह मनीष सिसोदिया भी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया था। के कविता की ओर से पेश वकील ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि नियमों के मुताबिक महिला को ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ नहीं हो सकती, उनसे घर पर पूछताछ हो सकती है। कविता 12 मार्च को भी पेश हुई थी, लेकिन उस समय ईडी ने फिर से 16 मार्च को बुलाया है। ईडी को दो आरोपियों से आमना सामना कराना है। फिलहाल 16 मार्च की पूछताछ पर रोक लगाई जाए, लेकिन सीजेआई ने कहा कि वो 24 मार्च को सुनवाई करेंगे। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में बीआरएस की नेता के कविता का भी नाम जोड़ा है। पिछले दिनों ईडी ने उनसे एक लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने अभी तक इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की आबकारी नीति से उद्यमियों को सांठगांठ करने का अवसर दिया गया, साथ ही कुछ डीलर्स को अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर घूस दी। शराब घोटाला मामले में बीआरएस की एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उसे बुला लिया जाता है और सवाल किया जाता है, ये गलत है, सभी को सवाल करने का अधिकार है। भाजपा ने पहले व्यापारिक घरानों पर छापा मारा, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, फिर उन्होंने राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार के कविता ने पिछले सप्ताह ईडी कार्यालय में बिताए 9 घंटों के दौरान हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों का सामना किया था। पिल्लई को शराब घोटाला के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अरुण रामचंद्र पिल्लई बाद में ईडी को दिए अपने बयान से पलट गया। फिलहाल पिल्लई ईडी की रिमांड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।